जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या इस बार माहौल सिरसा के अंदर बना हुआ है? सिरसा में गोपालकांडा और गोविंद, ये क्या नाम है, गोकुल गोकुल सेठी। सेतिया की टक्कर है। तो क्या उम्मीद लग रही है, किस पार्टी की जीत होगी, यहाँ से कौन विधायक बन सकता है? काफी टफ मुकाबला है, कहना मुमकिन नहीं है अभी। मुमकिन नहीं। अच्छा, एक तरफ गोकुल सेतिया ने आज ही कांग्रेस ज्वाइन करा है, तो इस बात से क्या इन लोगों को फर्क पड़ेगा? इनेलो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनेलो का तो वैसे ग्राफ नीचे है, इनेलो जेजेपी का तो इस बार नीचे है। अच्छा, जो इनेलो के समर्थक हैं, गोकुल सेते के साथ रहते थे, क्या वो उनके साथ जाकर के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या, अपनी ही पार्टी में रहेंगे? कुछ 5-4% साथ जाएंगे, गोकुल सेतिया के साथ जाएंगे, 5-4% तो मतलब फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? जगदीश कुमार क्या आपके क्या विचार है, क्या लग रहा ये है, विचार है आप बताइए ना अपने तो ये शब्दों विचार में। बता दिए थे ना हमारे, तो एक विचार दोनों। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? ज्यादा पैसा फेंका वो जीतता घोड़ा है, माल पैसे बिका, वाला जीतेगा। माल बिका हुआ है। अच्छा, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, पार्टी किस पार्टी की जीत यहां से निश्चित आपको लग किसी रही है? पार्टी की जीत नहीं है, पैसे की जीत है सिरसा का केंद्र। तो क्या हर बार ये विधानसभा चुनाव में ऐसा होता है यहाँ तो ऐसा ही चलेगा, एक बार जो माल बिक जाता है वो सदा बिकाऊ रहता है। अच्छा, अभी गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, इस बात से क्या इनेलो पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? इनेलो को क्या फर्क पड़ना है इस चीज से, इनेलो के वर्कर हैं वो और मिजाज के वर्कर हैं, वो पीछे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो मतलब कटाक्ष है कि कांग्रेस अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो हम उनके पीछे नहीं दौड़ेंगे। मैं तो जेजेपी समर्थक हूँ, मैं उनके भी कुछ नहीं कह सकता। आप नहीं हाँ, मैं जेजेपी समर्थक हूँ जी। हाँ तो आप क्या, आपके क्या विचार है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? कंडो जीतते खेड़ो में वही जीतते को, क्यों ऐसी उम्मीद क्यों? काम बढ़िया करे है, समाज सेवी है, हिंदुओं की गऊ है, गऊ माता है, बांगी सेवा करने और बंदो है, गाइडन नाटे को नहीं काम ने, अच्छी गाइडा की इज्जत करे, पथ लगेड़ा थोड़ी कसर रख दी लोग, कल 20,000 जिता देगा। अच्छा, गोकुल सेतिया ने अभी कांग्रेस ज्वाइन करा है, इनेलो पार्टी के समर्थ ने उन्हें समर्थन दे रखा था, अपनी पार्टी में उन्हें रख रखी थी, तो क्या इस बात से जनता को फर्क पड़ने वाला है जो उनके समर्थक हैं? भाई बहंगा गोकुल सेतिया बारा मापा की कौन कैस का मांगा, बदेगा घटेगा, वह बहंगा वह जाना, मैं तो मारे जाना गोपाल कांडो जीते वो इतनी जाना भी था। अच्छा, विकास की हम बात करें तो क्या कुछ विकास पिछले 5 वर्षों में धरातल पर पहुंचा है? वो नेपी को बताई कौन सका, इतना है यादाश्त ही खत्म हो रही है, इतनी विकास करी है, बहुत ज्यादा ही विकास करा रखा है, कसरी कोनी देखो, विरोधी है वह तो काट पास कर ही करे, लेकिन इतनो विकास है क्या, मान लो गिनती कोनी, कोई चीज रह रही कोनी। बड़े भाई साहब है, एक काम बता दे, 5 साल में ये काम किया है, एक काम क्या काम कराया उन्होंने? गोपालकांडा की अगर बात करूं तो मेरे गांव में गौशाला है, सब किसान जी है, दो तो शेड बना रखे हैं, और किसी पार्टी ने अगर 10 रुपए दिए तो बता दे, दो शेड तो कप्तान मीनू बेनीवाल ने भी ट्रैक्टर छोटा हाथी दिया है, वहाँ दिए कैसे नहीं, इनेलो ने भी एक शेड दिया है, दिया कैसे नहीं, हाँ दिया है। नहीं, मीनू बेनीवाल यहाँ से इलेक्शन लड़े गया इलाहाबाद से, वो तो यहाँ के कैंडिडेट है, वो किसी ने दिया है। गौशाला से काम नहीं चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, अंदर कुछ हुआ है तो ये बताओ, गांव में कोई सड़क में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है, शिक्षा के अंदर अभी अभी और बता दूं, स्कूल अपने शमशान भूमि है उसके अंदर 2 शेड बनाई है भाजपा सरकार ने, एक साइड इसके अंदर बना रखे भाजपा सरकार ने, राजीव गांधी के अंदर में एक बनाया डंगर हॉस्पिटल में, सारी गलियां पक्की कर रखी है, इंटरलॉक तक सारी लगा दी, गांव में सीवरेज तक पाइप दाबण लग रही, और क्या ले गए, लाइब्रेरी दे बच्चा खातर बड़े कोई बन गई, लाइब्रेरी की चाहते हैं आप यहाँ पर, नहीं चाहत कहने को नहीं हो, कहना बच्चा कौन पढ़े, 21 लाख रुपया मंजूर हो रहा है, वो इलेक्शन के बाद बनने वाली है, ये बात क्यों बकाई जाती है, जब इलेक्शन का समय आचार संहिता लग जाती है, जब कहते हैं आपकी इतना पैसा मंजूर हो गया, पहले भी हो सकता था, अब कैसे हुआ, ये लॉलीपॉप है, तो मतलब ये लॉलीपॉप है। हाँ, गांव में सबसे बड़ी मैं बताना हूँ, गांव में सबसे बड़ी समस्या थी सेम की, 22 तो सोलर पंप वो ट्यूबवेल लगे हैं जो सुबह दिन निकलते ही चलते हैं और शाम तक चलते हैं, सेम की समस्या हल होगी, गांव के जोड़ में पानी भर जाता था, उसमें से 2 पाइपलाइन तो नहर की तरफ निकाली और एक उधर खेतों की तरफ निकाली है, जोड़ के अंदर पानी नहीं रहने देते, लोगों की सिंचाई हो जाती है, गाँव में सेम नहीं होगी, है क्या नहीं किया गांव में, पंचायत के ग्रांट भी है, पंचायत के नहीं, पवन बेनीवाल दड़पा कला से उन्होंने एक नक्शा तैयार किया था इस एरिए को देखते हुए, जो वो चेयरमैन थे उनका प्रस्ताव आगे चढ़े है, पैसे उस समय नहीं आ सके, वो उनकी देन है, 5 साल इलेक्शन में खड़े हो जब आवे भाई, हाँ इतने को नहीं आवे। अच्छा, चुनाव की क्या उम्मीद लग रही है आपको?
क्या उम्मीद लग रही है आपको चुनाव की, किसके पक्ष में जाने वाला है? चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाओगे, खुला समर्थन है, खुल्लो ही है। आपके क्या विचार है? मैं जेजेपी का हूँ, जेजेपी में रहूंगा। दो टाबर लाग गया करे।